माननीय कनाडा के सीनेट के स्पीकर जॉर्ज जे फ्यूरी जी, भारत आए कनाडा के शिष्टमंडल में माननीय सदस्य डोनाल्ड नील पटेल जी, सीनेट की माननीय सदस्य यवन बयोर जी, अन्य सदस्यगण, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की धरती पर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुझे आशा है आपकी ये भारत यात्रा सुखद और अच्छी रही होगी और इसकी एक अच्छी अनुभूति आपको इस यात्रा के माध्यम से मिलेगी। भारत और कनाडा के बहुत आत्मिक और ऐतिहासिक संबंध है। आज इस रात्रि भोज में हमारे साथ भारत सरकार के मंत्रीगण, राज्यसभा जिसे अपर हाउस और लोअर हाउस के सभी माननीय सदस्यगण, चेयरमैनगण यहाँ पर पधारे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। भारत और कनाडा दोनों जीवंत लोकतंत्र देश है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी हमारी परस्पर सरोकार जानकारियाँ हम साझा करते रहते हैं और हमारी संसदीय लोकतंत्र में भी हमारा एक मजबूत आदान प्रदान है। हमारे दोनों देशों को में नई सरकार है। पिछले साल कनाडा को नया जनादेश मिला और भारत को दूसरी बार जनता ने जनादेश देकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री चुना। महामहिम पारस्परिक रूप से भारत और कनाडा ने एक निकट संबंध स्थापित किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे विदेश मंत्री ने कनाडा में यात्रा की है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने भी भारत में यात्रा की है और भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता सफल रही है और हमारे मजबूत संबंध हुए हैं। हाल के दिनों में कनाडा और भारत के आर्थिक और अवसंरचना विकास में एक महत्वपूर्ण भागीदारी के रूप में उभरा है। हमारी आर्थिक साझेदारी परस्पर लाभकारी रही है। हमारे संबंधों में अनेक प्रयुक्त संभावनाएं मौजूद है। भारत सरकार एक पूर्व अनुमानित, पारदर्शी और निष्पक्ष नीतिगत वातावरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो व्यापार करने में सुगमता प्रदान करती है। पिछले 5 वर्षों में विश्व बैंक की आसानी से कारोबार करने में भारत का 79 स्थान पर पहुंच गया है। कनाडा में विज्ञान प्रौद्योगिक अभियांत्रिक विषय का अध्ययन करने के लिए भारतीय छात्र कनाडा में अध्ययन करने जाते हैं और मुझे खुशी है कि कनाडा में भारतीय लोगों की संख्या 1.6 मिलियन से ज़्यादा है और वहाँ की राजनीति के अंदर भी और सामाजिक क्षेत्र के अंदर भी भारतीय मूल के लोगों की सक्रिय भागीदारी कनाडा में है। मैं पुनः आपका भारत में स्वागत करता हूँ।
और आज आपने लोकसभा, राज्यसभा, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों की आपने विजिट भी किए, और मुझे आशा है कि हम हमारे लोकतांत्रिक देशों में को मजबूत करने के साथ हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों को, हमारी संसदीय प्रणाली को साझा करते हुए अपने अपने देश को और मजबूत लोकतंत्र बनाने में हमारी संसदें कामयाब होगी।